नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 4000 करोड़ का है। ऑलरेडी पास्ट में इस कंपनी के शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं और फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाने का पोटेंशियल रखता है। कंपनी का ओवरऑल मैनेजमेंट रेवेन्यू गाइडेंस काफ़ी स्ट्रांग है, 30% से ज़्यादा का मैनेजमेंट रेवेन्यू गाइडेंस है। जिस हिसाब से इसको मार्केट प्राइस टू अर्निंग फ्यूचर में क्या दे सकता है, इसका मार्जिन क्या रहेगा, ओवरऑल ईपीएस कितना बढ़ेगा, जिस हिसाब से इसका FY24 में ओवरऑल इसका वैल्यू यानी एक एक्सपेक्टेड टारगेट क्या निकल के आता है, वो सब कुछ हम निकालेंगे। कंपनी की हम बात करते हैं तो कंपनी ईएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड सीएमएस यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर है। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ इसका नेम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो एक पीजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी भी है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, बिकॉज जब हम लोग वैल्यू एनालिसिस करेंगे और कंपनी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म बैट हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए वीडियो नहीं है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी और ये पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है, तो यहाँ पे रिटर्न भी अच्छे खासे बन सकते हैं। अभी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं तो FY24 की करेंगे, पर फ्यूचर में भी आप मैनेजमेंट को सुन के काम करते हैं तो शायद ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि PLI स्कीम का भी काफ़ी फायदा होगा इस कंपनी को, तो सब कुछ आपको अभी आगे समझ में आने वाला है। यहाँ पे बेसिकली कंपनी जो है OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ODM यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का काम करती है, जहाँ अलग अलग सेक्टर के 50 से ज़्यादा बड़े इंडियन एंड ग्लोबल ब्रांड्स के साथ कंपनी का टाई अप भी है, उनको कैटर करती है अपनी सर्विस। जहाँ पे रेवेन्यू स्प्लिट की बात करते हैं FY23 के अंदर प्लास्टिक मोल्डिंग से 30% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। प्रोडक्ट बिजनेस जो इनका मेजर, यहीं से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 62% का, जिसमें AC वॉशिंग मशीन एयर कूलर आते हैं। जहां पे AC से 77% ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं प्रोडक्ट मिक्स में या प्रोडक्ट बिजनेस में, वॉशिंग मशीन से 19% और एयर कूलर से 4%। इसके बाद कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक 7% एंड मोल्ड से 1%। तो यहाँ पे बेसिकली जो कंपनी का मेजर रेवेन्यू प्रोडक्ट बिजनेस से आ रहा है एंड फ्यूचर में ये जो प्रोडक्ट बिजनेस का जो 62% है ये और तेजी से बढ़ सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना भी है। क्लाइंट बेस की हम बात करते हैं, काफ़ी स्ट्रांग है, लाइक क्रोमा, हैवल्स, फ्लिपकार्ट, जैगवार जैसे बड़े क्लाइंट यहाँ देखने को मिलेंगे। जहाँ पे ऑर्डर बुक की हम बात करते हैं, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी की। दिवाली के फेस्टिव सीजन को देखते हुए कंपनी का जो आने वाला क्वार्टर है जिसमें वॉशिंग मशीन और टेलीविजन्स इन पे ज़्यादा फोकस है, कंपनी ने टेलीविजन्स में री एंट्री करी है। टीवी बिजनेस में जो कंपनी ने री एंट्री करी है जिसमें इनिशियल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 40,000 यूनिट पर मंथ की है, जिसमें ये स्क्रीन साइजेस जो है अप टू 70 इंचेस का ये बना रहे हैं। FY24 में जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है मोर देन 30% का है, मार्जिन 8-9% के रह सकते हैं, जिसमें FY24 का जो रेवेन्यू टारगेट है करीब करीब 2800 करोड़ का ये हो जाना चाहिए। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है ये आसानी से अचीव भी कर पाएंगे, हो सकता है ये इससे ज़्यादा भी हो। कैपेक्स प्लान की हम बात करते हैं तो FY24 में कंपनी 180 करोड़ के अराउंड कैपेक्स करेगी एंड यहाँ पे FY24 का जो रेवेन्यू आ रहा है 2800 करोड़ का, जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है, जहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा श्योर है, तो यहाँ पे मार्जिन 9% के लेके चलते हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है कि ये 9% के रह सकते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 252 करोड़ का निकल के आएगा, जहाँ पे ओवरऑल जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यानी FY23 के कंपैरिजन में 42% से बढ़ेगा, बिकॉज लास्ट ईयर जो कंपनी के मार्जिन है वो 7.5-8% के बीच में थे, अभी फिलहाल कंपनी के मार्जिन 9% होते हैं, तो ओवरऑल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 42% का जंप देखा जाएगा। अगर 42% का जंप देखा जाता है मार्जिन बढ़ने के कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, तो ओवरऑल ईपीएस में भी करीब करीब 42% का जंप देखा जाएगा, यानी FY23 में जो ईपीएस है वो 34 रुपीज का है, जो बढ़कर FY24 के अंदर 50 रुपए के अराउंड यानी 50 रुपीज के अराउंड हो जाना चाहिए। आप 50 मान लीजिए, ये 50 से 1-2 रुपए ऊपर भी हो सकता है और 1-2 रुपए नीचे भी रह सकता है, वैसे आपको समझना पड़ेगा। प्राइस टू अर्निंग की हम बात करते हैं, करंटली प्राइस टू अर्निंग 43-44 का चल रहा है, पर यहाँ पे आप पीयर्स से कंपेयर करते हैं, पीयर्स का प्राइस टू अर्निंग जैसे केन्स टेक्नोलॉजी का 116 का चल रहा है, अंबर एंटरप्राइजेस 60-70 का चल रहा है, इसके अलावा एवलॉन टेक्नोलॉजी 70-75 का चल रहा है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है।
इसका मीडियन प्राइस ट्रेंडिंग करीब करीब 50 का रहता है, यानी 50 का रहता है। फ्यूचर में ग्रोथ के अकॉर्डिंग हो सकता है मार्केट जो प्राइस ट्रेंडिंग है वो बढ़ा भी दे, एक्सपेंड भी होने की संभावना लगती है, ये जा सकता है 55-60 के आसपास भी। वैल्यू की हम बात करते हैं तो वैल्यू यहां पे FY24 में आप ऐसे मान के चलिए जो इसका EPS है, जैसा कि हमने ऊपर निकाला, 50 रुपए का EPS कम से कम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट कमेंट्री। 50 का आप एक इसका जो बेस ले सकते हैं प्राइस ट्रेंडिंग का, जो इसका मीडियन भी है, आप 50 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इजी वे में इसका जो टारगेट है 2500 रुपीज निकल के आता है, जबकि करंट प्राइस अभी चल रही है 1780 रुपए, यानी यहां से हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो इजी वे में 40% का रिटर्न बनने की संभावना लगती है। शेयर होल्डर की बात करते हैं तो शेयर होल्डर यहां पे जैसा कि FII 3% पिछले क्वार्टर में है, अभी फिलहाल 3% से बढ़ के 8% हो चुकी है ये कमेंट्री के बाद। DII की होल्डिंग देखते हैं, 7% से बढ़ के 13% हो चुकी है। यहां पे DII के अंदर जो नेम है कुछ अच्छे नेम दिखाई देंगे लाइक निपॉन लाइफ, टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड, तो ये यहां पे देखना चाहिए। एंड यहां पे टेक्निकल आप देखते हैं तो टेक्निकल बेसिस पे भी जैसे 1780 का इसका करंट प्राइस चल रहा है, सपोर्ट की हम बात करते हैं 10% नीचे यानी 1600 रुपए पे इसका स्ट्रांग सपोर्ट निकल के आता है। एंड ऑल टाइम हाई की हम बात करते हैं 2150 है, वहां से शेयर अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। यहां पे हम सपोर्ट की बात करते हैं, जो 1600 रुपए का सपोर्ट है यहां पे बाइंग आनी चाहिए, यहां से एक रिकवरी बन सकती है शेयर के अंदर। तो यहां पे अगर आपको खरीदना है, मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट इसमें बनता है, आपको ये कंपनी समझ में आती है, तो 1600 रुपए के आसपास इसको देखा जा सकता है। पर ध्यान दें, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगी, क्योंकि यहां पे अगर आप लेते हैं तो आप अपना रिसर्च खुद करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। हम वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी आप लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर भी करें, और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।